नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 2 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार से जुड़ी जानकारियों से अपडेटेड होना चाहते हैं, जिसमें आप बिहार के इतिहास, भूगोल या किसी भी जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल रूबरू बिहार पर ज्ञान बिहार के सेक्शन को जाकर जरूर देखें, जहां पर आपको बिहार से जुड़ी तमाम जानकारी मिलेगी। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में वार्ड सदस्य को मासिक मानदेय, नल जल के रखरखाव के लिए मिलेंगे रुपए। बीपीएससी इस दिन जारी कर सकती है एसआई मेंस का एडमिट कार्ड। नए वित्तीय वर्ष की फाइलों से निकलेगी विकास की कई योजनाएं। बिहार के अलग अलग जिलों में अगले 4 दिनों तक बादल छाने की संभावना। फंस गया पटना मेट्रो के जमीन का पैसा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में वार्ड सदस्य को मासिक मानदेय और नल जल के रखरखाव के लिए मिलेंगे रुपए। बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाले वार्ड सदस्य को नल जल योजना के तहत नल जल के रखरखाव के लिए 2,000 रूपए और मासिक मानदेय के रूप में 2,000 रूपए मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। सम्राट चौधरी ने पंचायती राज विभाग बिहार पटना की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मीडिया की एक खबर का भी खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में वार्ड सदस्य को नल जल के रखरखाव के लिए 2,000 रूपए और मानदेय के रूप में 2,000 रूपए दिए जाने के सरकार के फैसले पर आदेश जारी हुआ था, लेकिन मीडिया में मुख्यमंत्री जी की बात को तोड़ मरोड़ कर मिथ्या और मनगढ़ंत खबर के रूप में प्रकाशित किया गया। बीपीएससी इस दिन जारी कर सकती है एसआई मेंस का एडमिट कार्ड। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग 5 अप्रैल को पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट के पद पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर सकती है। उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए शामिल हो रहे हैं, वो बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने 24 अप्रैल 2022 के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट परीक्षा निर्धारित की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस परीक्षा में 47,900 उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट प्रीलिम्स परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 2 फरवरी 2022 को घोषित किया गया था। अभी कामगारों का जारी रहेगा निबंधन। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निबंधन का सिलसिला भी जारी रहेगा। फिलहाल ई श्रम पोर्टल को बंद नहीं करने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ने 31 मार्च तक ही 3.5 करोड़ कामगारों के निबंधन का लक्ष्य तय किया था, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण पोर्टल को खुला रखते हुए निबंधन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तय तारीख को बिहार के 2,80,15,000 कामगारों ने निबंधन कराया है। इसमें 2,44,000 कामगारों ने वसुधा केंद्र से तो 79,62,000 कामगारों ने खुद से निबंधन किया है। निबंधित कामगारों में 56.14% महिला तो 43.86% पुरुष है। निबंधन करने वालों में 16 से 18 साल के किशोर भी हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रोशन सेठ की। रोशन सेठ एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता हैं, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में दिखाई देते हैं। इंडियाना जोन्स में प्रतिपक्षी, छतरलाल और गांधी में मंदिर और जवाहरलाल नेहरू के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें समीक्षकों द्वारा प्रशंसित के लिए भी जाना जाता है। मिसिसिपी, मसाला, नॉट विदाउट माई डॉटर, माई ब्यूटिफुल लॉन्ड्रेंट और इतनी लंबी यात्रा और स्ट्रीट फाइटर द मूवी फिल्मों में उनका प्रदर्शन देखने लायक है। सेठ का जन्म 2 अप्रैल 1942 को पटना बिहार ब्रिटिश भारत में एक मुस्लिम एंग्लो इंडियन के घर में हुआ था। उनके पिता पटना मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने द दून स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, फिर सेंट स्टीफन्स कॉलेज में इतिहास में स्नातक की पढ़ाई करने गए। वहां उन्होंने आगे के प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड जाने से पहले शेक्सपियर सोसाइटी में अपने नाट्य कौशल का सम्मान किया। बिहार के अलग अलग जिलों में अगले 4 दिनों तक बादल छाने की संभावना। मार्च महीने का समापन हो गया है। हालांकि आमतौर पर इस महीने में लोगों को कम गर्मी का एहसास होता है, लेकिन इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही हाल रहने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के उत्तर और पूर्व क्षेत्र के कई जिलों में अगले 4 से 5 दिनों तक बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 5 से 6 अप्रैल के बीच पूर्वा हवा का प्रवाह पूरे प्रदेश में होगा, जिससे तापमान में आंशिक गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि सूबे में पूर्वा और पछुआ के कारण अलग अलग जगहों पर तापमान में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। रोहतास के पायलट बाबा धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जिले के सासाराम में पायलट बाबा धाम की खासियत ये है कि यहाँ परिसर में सभी धर्मों को स्थान दिया गया है। आश्रम परिसर में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया।
जिसका अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। यहां सोमनाथ मंदिर का नजारा देखने के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ लगती है। हालांकि ये मंदिर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 110 फीट ऊंची भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा है। इस परिसर में भगवान बुद्ध के बड़े प्रतिमा के साथ ही उनके जीवन में घटित सभी घटनाओं का चित्रण किया गया है, जो भक्तों को मनमुग्ध कर देती है। फंस गया पटना मेट्रो के जमीन का पैसा, सीएम नीतीश ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के भू अर्जन मद की बड़ी राशि अटक गई है। मिली जानकारी के अनुसार मार्च क्लोजिंग के कारण ही यह राशि अटकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना मेट्रो निर्माण के लिए इसी महीने 7 मार्च को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 492.41 करोड़ रुपए भू अर्जन मद में निकासी की स्वीकृति दी गई थी, मगर CFMS पोर्टल पर राशि की कैंपिंग कर दिए जाने के कारण इस राशि की निकासी नहीं हो सकी। ये खबर अब ये भी आ रही है कि 7 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में पटना मेट्रो रेल निर्माण कार्य की प्रगति सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की है। नए वित्त वर्ष की फाइलों में निकलेंगी विकास की कई योजनाएं। बीते दिन से बिहार में नए वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर काम शुरू हो गया। इसको लेकर ही राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691 करोड़ का बजट बनाया, जिसमें ही शिक्षा, स्वास्थ्य, शहर, गांव की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर खास ध्यान केंद्रित रहेगा। निर्माण विभाग में इसको लेकर 1 अप्रैल से वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तहत काम होने वाला है, यानी निर्माण के सभी काम ई माध्यम से होंगे। बिलों का भुगतान भी काम की प्रगति देखकर होगा। किस परियोजना में काम किस स्टेज में है, बड़े अधिकारी एक क्लिक में देख सकेंगे। महावीर मंदिर पटना में अब खुलेगा अस्पताल। महावीर मंदिर न्यास जल्द ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए अस्पताल खोलने वाला है। इसको लेकर हाल ही में बैठक का भी आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इसको लेकर पटना में ही भवन किराए पर लेने की प्रक्रिया भी अब आखिरी चरण में है। उम्मीद है जुलाई महीने से अस्पताल चालू हो जाएंगे। यहां 60 साल से अधिक उम्र के सभी मरीजों का इलाज CGHS यानी कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की दर पर किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि बुजुर्गों को अस्पताल लाने के लिए एम्बुलेंस की सेवा मुफ्त होगी। आगामी वित्तीय वर्ष में इस बार 1 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 से वंचित स्टूडेंट्स को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक और मौका दिया है। विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगा। कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की प्रक्रिया आज से यानी कि 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरना और शुल्क जमा करना होगा। 2 से 6 अप्रैल तक परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परीक्षार्थियों को secondary.biharboardonline.com पर आवेदन करना होगा। आज से शुरू हुआ चैत्र नवरात्र। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है, जो कि 11 अप्रैल तक जारी रहने वाली है। आज से अगले 9 दिनों में विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा की जाएगी। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और भैंस पर प्रस्थान करेंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल 2022 शनिवार सुबह 6:10 से 8:29 पर रहेगा। वहीं कलश स्थापना प्रतिपदा यानी कि नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा के साथ होने वाली है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ ने निकाली रिक्तियां। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ ने स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2, जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के कुल मिलाकर 454 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 विज्ञान और चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, रेडियोग्राफी, रेडियोलॉजी में डिप्लोमा या चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री, सामान्य नर्सिंग और दाई BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग में डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 19 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.cgpgi.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों को मिलेगा मुआवजा। कोरोना से जान गंवाने वाले 743 पटना के लोगों के परिजनों को अब मुआवजा मिलने वाला है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सूची भेज दी है। अब तक कोरोना से जान गंवाने वाले 2,361 के परिजनों को मुआवजा दिया जा चुका है। जिला प्रशासन की तरफ से सत्यापन कर भेजी गई सूची को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वीकृति प्रदान करने के बाद पुनः भेजी गई है। आपदा प्रबंधन शाखा में 743 लोगों की सूची से संबंधित कागजातों के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस मद में अभी आवंटन नहीं आया है, 1 सप्ताह में आवंटन आ जाएगा, उसके बाद भुगतान की कार्रवाई शुरू होगी।
बाढ़ से भरपाई के लिए मिला केवल 1038 करोड़। बिहार में बाढ़ की समस्या हर साल ही देखने को मिलती है। यही कारण भी है कि बिहार सरकार की मांग भरपाई के लिए केंद्र सरकार से ज्यादा होती है। लेकिन अफसोस, केंद्र सरकार की जब भुगतान की बारी आती है तो केंद्र सरकार राशि मुहैया करवाने में आनाकानी करती है। इसी का प्रमाण इस बार भी देखने को मिला। पिछले वर्ष 2021 में बाढ़ से बिहार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 1038.96 करोड़ की सहायता ही दी। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 5291.29 करोड़ की मांग की थी। बिहार को मिली यह सहायता राशि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से दी गई है। बिहार के मुखिया संघ ने दी चेतावनी, गांव में विकास कार्य का होगा बहिष्कार। बिहार का पंचायती राज विभाग भले ही ये दावा कर रही हो कि मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि को किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन वो गैर लाइसेंसी हथियार की मांग भी करते रहते हैं या फिर सुरक्षा गार्ड की मांग करते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन के साथ ही उसे सुरक्षा या हथियार का लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा। बिहार के मुखिया संघ का सब्र का बांध अब टूटता दिख रहा है, क्योंकि मुखिया से लेकर पंचायत सेवक तक की जान लेने का सिलसिला जारी है। अब बिहार के मुखिया संघ ने सरकार को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि की जान गई तो ग्रामीण विकास से जुड़े विकास के तमाम कार्यों का बहिष्कार कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह आ रहे हैं बिहार। बिहार में जल्द ही देश के मुखिया और गृहमंत्री पधारने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से ही तैयारियों को तेज कर दिया गया है। हालांकि दोनों एक साथ तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन जल्द ही दोनों बिहार आने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने बिहार आने वाले हैं। अप्रैल से लेकर मई और जून के बीच दोनों के आगमन को लेकर अब तैयारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह का आगमन इसी महीने हो रहा है। वो 23 अप्रैल को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी और कहा है कि विधानसभा भवन शताब्दी समारोह का समापन मई जून में होगा। तेजस्वी ने सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने की अटकलों पर कसा तंज। बीते कुछ दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारे में सीएम नीतीश के उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा हो रही है। हालांकि सीएम नीतीश खुद इस बात से इनकार कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। यही कारण भी है कि लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा है। इसी के तहत अब तेजस्वी ने बीते दिन सीएम नीतीश पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अपनी इच्छा पूरी करने की चिंता छोड़कर पहले जनता की इच्छा पूरी करे। इस क्रम में तेजस्वी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि आज बिहार में प्रत्येक 4 घंटे पर गलत व्यवहार और 5 घंटे पर जान लेने की घटना होती है। बिहार में अब मुख्यमंत्री अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो अन्य लोगों की बात करना बेकार है। विवेक अग्निहोत्री फिर से हुए ट्रोल। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री फिल्म से जुड़े कई किस्से दर्शकों के साथ शेयर कर चुके हैं। वो बिहाइंड द सीन वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं। अब उन्होंने एक क्लिप शेयर की है, जिसमें द कश्मीर फाइल्स का एक इमोशनल सीन दिखाया गया। विवेक ने बताया कि जब उनके पेरेंट्स का निधन हुआ था तब वो नहीं रोए थे, लेकिन अनुपम खेर की मौत का सीन शूट किया गया तो वो अपना रोना नहीं रोक पाए थे। वीडियो में विवेक रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवेक के इस ट्वीट पर ही कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट लिखा है। इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा कि मैं मानता हूं कि सीन अच्छा है, लेकिन ये कहना कि पेरेंट्स के गुजर जाने पर भी आप नहीं रोए, ये कुछ ज्यादा हो गया। ड्वेन ब्रावो ने रचा इतिहास। मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल में इतिहास रच दिया है। 38 वर्षीय ब्रावो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए। ब्रावो ने इस दौरान मुंबई इंडियंस के पूर्व तेज गेंदबाज लसित मलिंगा का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। वेस्टइंडीज के दिग्गज हरफन मौला खिलाड़ी ब्रावो ने आईपीएल के 15वें सीजन के 7वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। दाएं हाथ के ब्रावो के नाम 153 आईपीएल मैच शो में कुल 171 विकेट हो गए हैं। दूसरी तरफ लसित मलिंगा ने 170 विकेट 122 मैच में हासिल किए थे। पटना के 28 घाट पर चैती छठ को लेकर सफाई कार्य शुरू। पटना में गंगा के किनारे 28 घाटों पर चैती छठ को लेकर सफाई कार्य शुक्रवार से ही शुरू हो गया है। नगर निगम के कर्मचारी सफाई कार्य कर रहे हैं। इन घाटों पर दिन रात काम चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी घाटों पर काम 4 अप्रैल से पहले पूरा कर लिया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। घाटों पर समुचित रोशनी, शौचालय, पेयजल, वॉच टावर आदि का निर्माण किया जाना है। इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई है। नोडल अधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा के एडीएम संतोष कुमार झा को बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार से बैरिकेडिंग का काम होगा, उसके बाद अस्थायी शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल शासक अकबर ने 1679 में जजिया कर समाप्त किया। ब्रिटिश पंजाब की 1849 में स्थापना हुई। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 में मिशन सोयुज T11 के तहत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। कांग्रेस ने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज किया।
भारत ने 1983 में पहले वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2011 में आज ही के दिन दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी चेनानी नाशरी सड़क सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया। भारत के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अजय देवगन का जन्म 1969 में आज ही के दिन हुआ था। भारत में टीवी के प्रसिद्ध हास्य कलाकार कपिल शर्मा का जन्म 1981 के आज ही के दिन हुआ था। क्रिकेटर प्रिंस रणजीत सिंह जी का 1933 में गुजरात में के जामनगर में आज ही के दिन निधन हुआ था। नेता प्रतिपक्ष ने चैत्र नवरात्र और छठ की दी बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन देश और राज्यवासियों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्र का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। इस दौरान ही भारतीय सनातनी नववर्ष 2079 का शुभारंभ होगा। उन्होंने ईश्वर से कामना की है कि यह नया वर्ष हम सबके लिए खुशियां, शांति, समृद्धि और प्रगति लेकर आए। कोविड या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से भगवान हम सब की रक्षा करे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोगों से अपील करते देखेंगे कि छठ व्रतियों के धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने में और छठ घाटों को साफ सफाई में सहयोग किया जाए। अब ऑनलाइन मीटिंग में आएगा डबल मजा। जैसा कि दुनिया भर में कोविड 19 मामलों में गिरावट आई है, कई कंपनियां एक हाइब्रिड वर्किंग माहौल में शिफ्ट हो रही हैं। बदलती परिस्थितियों के बीच गूगल ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म गूगल मीट के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसका उद्देश्य ऑफिस जाने वालों के लिए अपने दिन प्रतिदिन के सहयोग और प्रबंधन को आसान बनाना है। इस अपडेट के एक हिस्से के रूप में गूगल मीट के लिए इन मीटिंग रिएक्शन को रोल आउट कर रहा है। इन मीटिंग रिएक्शन गूगल मीट यूजर को अन्य प्रतिभागियों को प्रतिक्रिया देने या फिर अपनी प्रतिक्रिया देने के तरीके के रूप में थम्सअप, हार्ट, जोर से हंसना, थम्स डाउन, सरप्राइज और ताली सहित चुनिंदा इमोजी का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। गूगल आने वाले हफ्तों में मीट को सीधे डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स पर भी ला रहा है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,180 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,550 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 112.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 97.47 रुपए प्रति लीटर था। मार्च में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। मार्च 2022 में सकल जीएसटी संग्रह जनवरी 2022 के महीने में एकत्र किए गए 1,40,986 करोड़ रुपए के पहले के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से 29,816 करोड़ रुपए, सीजीएसटी में 25,032 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। इसके अलावा केंद्र ने मार्च में केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच 50-50 के अनुपात में तदर्थ आधार पर आईजीएसटी के 20,000 करोड़ रुपए का निपटान किया। नियमित निपटान के बाद मार्च 2022 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 65,646 करोड़ रुपए और एसजीएसटी के लिए 67,410 करोड़ रुपए है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम हैं गौतम कुमार, बबिता यादव, भारत प्रसाद, सुगीबल कराकट, नुनु कुमार, रघुनाथ प्रसाद, बबिता यादव, शंकर मुखिया, भोला कुमार, सुभाष कुमार सिंह, अभिजीत कृष्णा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।